हे दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए फिट फॉर इट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, आपने हेनरी फोर्ड का नाम तो सुना होगा। वो एक विश्व प्रसिद्ध मोटर कंपनी फोर्ड के मालिक थे और फोर्ड को विश्व प्रसिद्ध बनाने में हेनरी का बहुत बड़ा योगदान था। फोर्ड की इस यात्रा में एक वाक्य ऐसा है जिसे आपको जरूर सुनना चाहिए, और उसके बाद ही फोर्ड दुनिया की नंबर एक मोटर कंपनी बन गई थी। हुआ यूं कि एक बार हेनरी फोर्ड एक ऐसा इंजन बनाना चाहते थे जिसके आठों सिलेंडर एक ही ब्लॉक में हों। उन्होंने अपने इंजीनियर्स को बुलाया। इंजीनियरों ने उनसे कहा कि यह नहीं हो पाएगा, यह तो असंभव है। फिर भी उन्होंने एक प्रयास कर लेते हैं, ऐसा कहा। कुछ दिन बाद हेनरी ने जब दोबारा पूछा तो इंजीनियर्स ने साफ मना कर दिया। उसके बाद कहते हैं कि हेनरी फोर्ड टस्से मस नहीं हुए। उन्होंने इंजीनियर्स से कहा कि संभव हो या असंभव हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, यह काम हर हाल में होना चाहिए। मन मारकर इंजीनियर्स ने एक साल का समय मांगा। एक साल तक कड़ी मेहनत की। एक साल के बाद हेनरी ने जब दोबारा पूछा तो उन्होंने कहा कि वे केवल असफल ही नहीं हुए हैं, बल्कि उन्हें लगता ही नहीं है कि यह काम हो पाएगा। उन्हें ना तो कामयाबी मिली है और ना ही इसकी कोई उम्मीद है। तब भी हेनरी फोर्ड का हौसला पस्त नहीं हुआ। उन्होंने मुस्कुराकर अपने इंजीनियर से कहा, चाहिए ही चाहिए। आपको चाहे कितने भी दिन लगें, इस काम में तब तक जुटे रहिए जब तक कि कामयाब ना हो जाए। और आखिरकार एक दिन इंजीनियर V8 मोटर इंजन बनाने में सफल हो गए, जिसकी बदौलत उन्होंने कार जगत में तहलका मचा दिया। दोस्तों, ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि हेनरी फोर्ड ने हार नहीं मानी और हमेशा प्रयास करने के लिए कहा। उन्हें अपनी सोच पर पूरा भरोसा था कि असंभव कुछ भी नहीं है, बस मुश्किल है प्रयास करते रहना। दोस्तों, हमारे खुद के जीवन में ऐसे कितने काम होते हैं जो सिर्फ प्रयास न करने की वजह से नहीं हो पाते। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो हमें ऐसे अनगिनत उदाहरण मिल जाएंगे जब लोगों के प्रयास करते रहने की वजह से असंभव से कार्य संभव हो पाए। और इसका सबसे सटीक उदाहरण थॉमस एल्वा एडिसन है। बिजली के बल्ब के आविष्कार करने में उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। एडिसन बल्ब बनाने में 10,000 बार से भी ज़्यादा असफल हुए थे। आपने सही सुना, 10,000 बार से भी ज़्यादा बार वो असफल हुए थे। लेकिन उन्होंने खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए जो फिलोसॉफी अपने दिमाग में सेट की हुई थी, दोस्तों मैं तो उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। उन्होंने 10,000 बार असफल होने के बाद कहा, मैं कभी नाकाम हुआ ही नहीं, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे रास्ते निकाल लिए जो कि मेरे काम नहीं आ सके। दोस्तों, कमाल के थे ये लोग, जिनकी वजह से आज दुनिया का कायाकल्प हो गया। और ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि इन लोगों ने कभी प्रयास करना बंद ही नहीं किया था। ये बात सही है कि अपने टारगेट अचीव करने में हमें बहुत सी मुसीबतों और असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन सफलता मिलने की जो असली वजह होती है वो है प्रयास करते रहना। दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि आपकी लाइफ में ऐसे कितने मौके आए जब आपने सोचा भी नहीं था और सिर्फ एक प्रयास करने की वजह से वो काम हो गया, या फिर इसका बिल्कुल उल्टा कि आपने प्रयास ही नहीं किया था, अगर करते तो शायद वो काम हो जाता। आपने इस वीडियो को बहुत प्यार से सुना, बहुत प्यार से देखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।